हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर्स एंड देन कीवर्ड्स के बारे में। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होता है। विद एग्जांपल हमने कवर किया था कौन कौन से चेक्ड एक्सेप्शंस हैं और कौन कौन सा अनचेक्ड एक्सेप्शंस है। विद एग्जाम्पल हमने कवर किया था एंड थर्ड वन आता है आपका एरर। क्लियर है पॉइंट? तो प्रीवियस वीडियो में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। राइट, चलिए हम बात करते हैं एरर। देखो, एरर जो बेसिकली आता है ना, ये प्रोग्रामिंग लेवल पे नहीं आता, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेस की वजह से आता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? सिस्टम की कमी के, सिस्टम में कुछ मेमोरी की कमी से या हार्डवेयर इशू से आता है। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे फाइल मैंने बनाया चेक्ड डॉट जावा, आप भी कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम। एंड देन क्लास नेम ले लिया मैंने टेस्ट। ये एरर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो, थ्री टाइप्स के बेसिकली एक्सेप्शन जावा में होता है ना, चेक्ड अनचेक्ड एंड एरर। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस कवर कर चुके हैं। थर्ड वन इज एरर। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ इंट टाइप का, इक्वल टू न्यू इंट, एंड देन इसका मैं साइज दे देता हूँ 1 लाख × 1 लाख कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, कंपाइल करते हैं, तो आपका आएगा एरर क्या, आउट ऑफ मेमोरी एरर। चलिए चेक करते हैं एक बार क्या आता है कि नहीं। मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ एंड देन सीडी डेस्कटॉप पे पहले चले जाता हूँ। डेस्कटॉप में मेरा फोल्डर है जावा नेम का, तो सीडी जावा में चले गया, जावा सी, देन चेक्ड डॉट जावा फाइल का नेम है मेरा। फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम टेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आउट ऑफ मेमोरी एरर। क्लियर है पॉइंट? जावा हीप स्पेस की वजह से। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये होता है एरर, बस ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो देखो, इंटरव्यू में बहुत कम एरर पूछा जाता है, लेकिन चेक अनचेक एक्सेप्शंस क्या होता है, कौन कौन सा होता है, ये तो पूछा ही जाता है। ठीक है, देन कीवर्ड्स। ठीक है, जो एक्सेप्शन प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था, एक्सेप्शंस, रन टाइम, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस, तो बेसिकली जो एक्सेप्शन आता है ना, उसको हैंडल करने के लिए कीवर्ड्स होता है जावा के अंदर। ठीक है, जैसे ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज कीवर्ड। क्लियर है पॉइंट? और एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए दो तरीका होता है, देर आर टू वे, यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक एंड यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो हम बात करने वाले हैं पहले तो यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स, देन वी विल डिस्कस अ थ्रोज कीवर्ड ऑल्सो। राइट, यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। चलो देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, हैंडल द एक्सेप्शन बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो लाइन लिखा है, इसको देखो, पहले थ्योरेटिकल समझ लो देन प्रैक्टिकल करेंगे। ट्राई एंड कैच बोथ आर जावा कीवर्ड्स, ठीक है, एंड यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। द ट्राई ब्लॉक इज यूज टू इनक्लोज द सस्पेक्टेड कोड, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग ऑलवेज वो कोड राइट करते हैं जिसमें एरर आने की चांसेस होता है, या एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखा है मैंने, रिस्की कोड इज अ कोड दैट मे राइज एन एक्सेप्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्शन। तो सस्पेक्टेड कोड को आप बोल सकते हो रिस्की कोड, ये भी रिस्की कोड क्या है, कोड ही है जो हो सकता है कि प्रोग्राम जब रन करें, चलाएं, तो उस समय एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वैसा कोड हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। क्लियर है पॉइंट? देखो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, सिंटेक्स मैंने लिखा है यहाँ पे ट्राई के अंदर रिस्की कोड, जो सस्पेक्टेड कोड लिखोगे यहाँ पे जिसमें एरर आने के चांसेस होता है, एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, देन कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन नेम, देन रेफरेंस नेम, देन ये कैच ब्लॉक कब चलेगा याद रखना, ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब आपका ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आएगा, तभी ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा कैच ब्लॉक। अगर जहां ट्राई के अंदर एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो कैच ब्लॉक विल नॉट चेक्ड। क्लियर है पॉइंट? तो कैच ब्लॉक के अंदर मैंने एक लाइन लिखा, इट विल एग्जीक्यूट व्हेन द एक्सेप्शन इज अकर इन द ट्राई ब्लॉक। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर। चलिए इसको प्रैक्टिकल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट हम कवर करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसी फाइल में कर लेता हूँ। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
कोड स्टार्ट, यहां से मैं कोड स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन देन 10 डिवाइड बाई 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सेप्शन आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है ना। तो कैच ब्लॉक के अंदर हम बता देते हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का नेम देन रेफरेंस नेम ई बता दिया, ई के जगह एबीसीडी कुछ भी बता सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे एक्सेप्शन बेसिकली आया और यहाँ पे मैं हैंडल कर देता हूँ, देखो 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड देन जब कैच आपका क्लोज हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। सपोज करो 100 लाइन का कोड है, 5 लाइन मैंने दे दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर और जो उसके बाद 95 लाइन उसके बाद है, ठीक है। जो रिक्स जहां पे लगता है मुझे कोड में एरर आ सकता है उसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया, क्लियर है पॉइंट। तो इसमें होगा क्या, यहाँ जो एरर आया ना कैच के पास हैंडल हो गया तो रेस्ट ऑफ द कोड आपका चलेगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर जहाँ ट्राई कैच हम यूज नहीं करते हैं, एरर आ गया यहाँ पे, तो रेस्ट ऑफ द कोड जो है आपका ये वाली लाइन नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ट्राई ब्लॉक आपको ट्राई कैच यूज करने से आपका रेस्ट ऑफ द कोड चलेगा। चलिए देखते हैं इसको, हम यहाँ पे एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल फाइन रन। देखो यहाँ पे क्या आया, कोड स्टार्ट देन 5 आपका 10, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आया और यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 2 किया तो 5 आया, देन रेस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन भी आपका चला, देखो ये भी लाइन आपका चला, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें दो पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पॉइंट की ये नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ इसका, ठीक है, नॉर्मल टर्मिनेशन। सेकेंड पॉइंट की रेस्ट ऑफ द कोड आपका इसमें एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि यूजिंग ट्राई कैच यूज किए तभी यूज हुआ, विदाउट ट्राई कैच करोगे तो रेस्ट ऑफ दी जो कोड लिखा है मैंने लाइन वो नहीं चलेगा, रेस्ट ऑफ दी कोड एग्जीक्यूटेड, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इस जगह पे यहाँ पे एक्सेप्शन का नेम कुछ और दे देता हूँ, जैसे मैंने दिया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। अगर जहां मैंने यहाँ ऐसा दे दिया तो कैच ब्लॉक नॉट मैच, मैच नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेटेड एबनॉर्मली, क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं इसको चला के, देखो यहाँ ये स्टार्ट हुआ उसके बाद वाली लाइन नहीं चला, क्लियर है पॉइंट। अगर जहां मैच नहीं करेगा तो आपका ये एरर आएगा, तो याद रखिएगा ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इस पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट में, नोट में यहाँ पे लिख देता हूं मैं कैच ब्लॉक इफ 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 कैच ब्लॉक नॉट मैच्ड, ठीक है, अगर जहां मैच्ड नहीं करता देन प्रोग्राम टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड एबनॉर्मली, आई होप क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 बात करते हैं, चलिए अगर एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ कुछ। अब अगर जहां मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, ये वाला लाइन हटा दिया तो ट्राई जो है ना विदाउट कैच नहीं हो सकता है, याद रखना ट्राई विथ कैच या ट्राई विथ फाइनली, ओनली ट्राई ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं,
इनवैलिड होगा, ओनली ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक्स आर नॉट अलाउड, याद रखना इस पॉइंट को। तो यहाँ पे देखो आ भी रहा है आपका एरर, देखो यहाँ पे एरर ट्राई विदाउट कैच फाइनली रिसोर्स और रिसोर्स डिक्लेरेशन, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। तो इसमें क्या आप लिखोगे नोट में, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा देता हूँ मैं, ये नोट कर लेना, ये तो इनवैलिड हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली ट्राई ब्लॉक्स आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, क्लियर है पॉइंट, डन, आई होप क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इनवैलिड होगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर। अब यहाँ पे फोर में नेक्स्ट 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 हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर, इसको मैं यहाँ पे कैच। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट, मैंने लिखा दीपक गुप्ता, मैं अपना ही नेम लिख देता हूँ दीपक गुप्ता, ठीक है। एंड देन इसके बाद भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, ऐसा कुछ लिख दिया, क्लियर है। देन आपका ये है, एंड देन ये वाला कोड अभी फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब अगर जब मैं इस तरीके से भी चलाऊं तो ऊपर भी एरर आएगा, ट्राई कैच के बीच में आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, याद रखना। तो इन दिस केस वी विल गेट अ एरर, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, कैच नंबर फॉर्मेट। अगर जहाँ मैं यहाँ पे सपोज करो अर्थमेटिक ही दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया आपका अर्थमेटिक, तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं अर्थमेटिक ही देके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जीरो एंड देन यहाँ पे लिखा मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, क्लियर है। अब मैं कंपाइल करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ये देखो सेम एरर आ रहे हैं ट्राई कैच, क्योंकि आप बीच में कोई स्टेटमेंट दोगे ना तो ये इसको ये बेसिकली समझेगा ही नहीं, ये ट्राई के साथ कैच नहीं हुआ क्योंकि बीच में आपने स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी स्टेटमेंट बीच में दे दिया तो आपका सेम एरर आएगा, क्लियर है। तो नॉट पॉसिबल, याद रखना, ठीक है, इस केस में भी आपका एरर आएगा। एग्जाम्पल नंबर फोर फाइव, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फाइव देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फाइव, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक्सेप्शन ही प्रिंट कर देता हूँ, तो लेट मी चेक कि रेस्ट ऑफ द कोड आपका चलता है कि नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड, ये वाला लाइन नहीं चलेगा, देखना अगर जहां आपका ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, और कैच के अंदर हैंडल नहीं हो रहा है वहां पे भी एक्सेप्शन आ रही है, तो आपका रेस्ट ऑफ द कोड कभी नहीं चलेगा, याद रखना, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड आपका प्रिंट नहीं हो रहा है, कोड स्टार्ट देन ये वाला लाइन जो है मैंने लास्ट में लिखा ये नहीं प्रिंट हो रहा है, अगर जहाँ इसके अंदर भी कैच के अंदर एरर ही आएगा तो आपका रेस्ट ऑफ द कोड नहीं चलेगा, तो ये याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूँ कि इंटरव्यू रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे, ठीक है ना, तो मैं सारा क्वेश्चंस कवर करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दिया दी, नेक्स्ट दो तीन लाइन में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का हेलो, एंड देन नेक्स्ट वन इज यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ दीपक, ठीक है, हेलो दीपक, और यहाँ पे एक्सेप्शन आया और यहाँ पे मैं हैंडल करा देता हूँ, क्लियर है पॉइंट, एक्सेप्शन आया और यहाँ पे मैंने हैंडल करा दिया। तो इस केस में मैं क्या होगा, मैं बेसिकली बताना ये चाहता हूँ, ये देखो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, ये देखो कोड स्टार्ट हुआ, देन आपका देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया,
एक्सेप्शन आया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने हैंडल किया है, तो हैंडल किया है तो इसका मतलब ये वाला, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको क्लियर स्क्रीन करके एक बार चलाता हूँ फिर से। हाँ बिल्कुल सही, तो ये देखो एक्सेप्शन आया, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है देखो उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा है, तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे हैंडल हो रहा है, लेकिन ये वाला चीजें आपको प्रिंट ही नहीं कर रहा है, ओनली आपको क्या प्रिंट कर रहा है भाई, प्रिंट कर रहा है एक्सेप्शन, ठीक है ना। अब मैं इस दोनों लाइन को यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ, ये सब पूछा जाता है कि अगर जहाँ ऐसा करता है तो ये कौन सा एरर आएगा, ये चीजें पूछा जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्यों आ रहा है भाई, 10 डिवाइड बाय 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्शन आया और यहाँ पे मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओह इसीलिए सोचूं मैं, चेंजेस तो मैं दूसरे फाइल में कर रहा हूँ बाय मिस्टेक, ठीक है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट ही हो रहा था कि ये कोड चलना चाहिए और चल क्यों नहीं रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। चलिए अब देखो यहाँ पे हैंडल हो रहा है, बिल्कुल सही है, चलिए चलाता हूँ मैं इसको, देखो चल रहा है बिल्कुल, कोड स्टार्ट और ये चल रहा है, इसको वन टाइम कर दो। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये था मेरा, यहाँ पे एक्सेप्शन देखो, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आया, क्या ये दोनों लाइन चलेगा, कभी नहीं चलेगा याद रखना, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट वाले जो रेस्ट जो भी स्टेटमेंट आप पास करोगे अगर जहाँ एक्सेप्शन आ गया तो वो कभी नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो याद रखना। चलिए हम देखते हैं चला के, देखो यहाँ पे नहीं चला ना, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा ही नहीं, तो ये कैच ब्लॉक चेक नहीं होगा, देन ये सारा प्रिंट होगा, रेस्ट ऑफ द कोड भी प्रिंट होगा आपका। चलिए देखते हैं, देखो 5 प्रिंट हुआ, देन हेलो दीपक, रेस्ट ऑफ द कोड, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है, ठीक है। तो हमने ट्राई कैच के जो बेसिकली 6-7 एग्जाम्पल आज हमने कवर किया, ठीक है ना, इसको आप प्रैक्टिकल करो, इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको क्लियर रहेगा, ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो, एंड देन इसको आज हमने कवर किया ट्राई कैच कीवर्ड्स भी, एंड देन एक्सेप्शन भी कवर किया, पॉइंट्स जो मैं नोट करवाया हूँ आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पज, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो इसको नोट करके आप लोग प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो, कोड करो, ठीक है, तभी आपका लॉजिक क्लियर होगा, एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।